देखें दुनिया में बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं वो हैं गूगल सबसे टॉप पे, उसके बाद को मुझे नाम बताएगा कोई, गूगल, बिंग और नाम बोलें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या फायरफॉक्स इज नॉट अ आस्क, नहीं वो क्वेश्चन आंसरिंग के लिए होता है, बिंग, उसके अलावा एक अल्टा विस्टा के नाम से है, ठीक है, उसके अलावा याहू है, ये वो सारे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं जो के लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल सर्च इंजन्स भी होते हैं जो कंट्री बेस्ड वेरी करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का अपना सर्च इंजन है, रशिया में अपना सर्च इंजन वर्क करता है, तो वेरी करते हैं वो एरिया टू एरिया। इसमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च इज गूगल का पार्ट है, मैं इसको जरा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आना स्टार्ट हो जाए, इसमें जो गूगल का पार्ट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च इज वो 98% रिसर्चेस गूगल के थ्रू परफॉर्म हो रही होती हैं, बाकी 2% वो सारे सर्च इंजन में डिवाइडेड है। मज़र वीडियो बाकी 2% जो सर्चेस हैं वो बाकी सर्च इंजन में डिवाइड हुई होती हैं। अच्छा, सबसे पहला काम हमें जो करना है वो समझना है कि सर्च इंजन बेसिकली वर्क किस तरह करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की वर्किंग को नहीं समझोगे आप उस पर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीन चलानी सीखनी हो आप उसका मैनुअल देखते हो पहले, ऐसा ही है कि मशीन मैंने चलानी किस तरह से है, मैनुअल देखे बगैर चलाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप गलत तरीके से सेट कर रहे होगे या गलत कोई गलती कर दोगे। तो हमने समझना है बेसिकली सर्च इंजन वर्क किस तरह करता है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर, एक रोबोट या एक स्पाइडर यूज करता है जिसको हम कहते हैं क्रॉलर। क्या कहते हैं? क्रॉलर, CRAWLER, क्रॉलर। इसका मीनिंग बताएगा, क्रॉलर का मीनिंग क्या होता है? रिंगना। बेसिकली आपके जो क्रॉलर्स हैं वो सर्च इंजन के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो आपकी वेबसाइट को रिंगते हैं, यानी कि रिंगते हुए एक्सेस कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेबी है वो अगर रिंग रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा, ऐसा ही है, फिर वो वापस आएगा किसी और जगह जाएगा फिर उसको टाइम लगेगा। तो बेसिकली गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। जब वो क्रॉल करते हैं तो क्रॉल करने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल draz.pk, मेरा एक पेज draz.pk, क्या हो गया ये, draz.pk, ठीक है, ये मेरा पेज है, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट ये है, ठीक है। अब गूगल का क्रॉलर यहां पे आएगा, इसमें सबसे पहली चीज जो उसको नजर आएगी गूगल के क्रॉलर को, ऊपर टाइटल नजर आएगा ये वाला, वो देखेगा कि ये वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें वर्ड यूज हुआ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड यूज हुआ हुआ है, बुक्स यूज हुआ है। उसके बाद क्या करेगा, वो उसके दूसरी जो नीचे पेजेस हैं उसको देखना स्टार्ट करेगा, उसमें जो इमेजेस यूज हुए हैं, ग्राफिक्स यूज हुए हैं, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, वो सारी चीजें क्रॉल करेगा, देखेगा कि यार ये जो इसने टॉप पे वर्ड यूज किए हुए थे क्या वो बॉटम पे भी यूज हुए हैं। देखें नीचे इसकी कैटेगरीज नजर आएंगी उसको, इमेजेस नजर आएंगे और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी उसको, वो देखेगा इसको एक एक डिटेल को चेक करेगा वो आके, ठीक है, पूरे वेबसाइट का, फिर क्या करेगा स्नैपशॉट लेगा एक और गूगल के डेटा सेंटर में ट्रांसमिट कर देगा। स्नैपशॉट का मतलब पता क्या होता है? स्क्रीनशॉट लेगा, उसमें जितनी डिटेल उसने ऐड की हुई है वेबसाइट ने उन सब का एक स्नैपशॉट कंप्लीट लेके गूगल के डेटा सेंटर में सेंड कर देगा। देखें इंटरनेट आपको रिजल्ट वही शो करता है जो उसके पास सेव हुए होते हैं, ऐसा ही है जो गूगल के पास सेव है।
जो रिजल्ट गूगल के पास सेव नहीं है वो गूगल कभी भी शो नहीं करवाएगा। ये जो मैंने बताया ना, गूगल क्रॉलर आपके पास आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसको एक्सेस करेगा, उसको पढ़ेगा, उसका स्नैपशॉट लेके गूगल को भेज देगा। इसको हम, इसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उसको हम कहते हैं कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट को कैश कर लेगा। कैशे नहीं कहते हम, कैशे, कैशे में आपके इमेजेस सेव हो जाते हैं, आप बाद में उनको एक्सेस कर सकते हो। ब्राउजर भी कैशे यूज कर रहा होता है आपके लैपटॉप में, ठीक है। देखें, उसने गूगल क्रॉलर आया, उसने सारा पेज ले किया स्नैपशॉट लेके, देखें इसने ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, कैटेगरीज बनी हुई है, इसका सब का स्नैपशॉट लेके उसने गूगल के डेटा सेंटर में ट्रांसमिट कर दिया। अब इसमें जो चीज़ें देख रहा होता है, बेसिकली टाइटल देख रहा होता है आपका, कंटेंट जो आपके पेज पे होता है वो देख रहा होता है, ग्राफिक्स देख रहा होता है, ग्राफिक्स के बैकएंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो देख रहा होता है, इंटरनल लिंकिंग देख रहा होता है पेजेस की सारी, ये वो चीज़ें जो क्रॉलर चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो डेटा सेंटर में ट्रांसमिट कर दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन जो सबसे बड़ा रेज होता है वो ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि गूगल मेरी वेबसाइट पे, गूगल का क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे कब आया था, पता चलना चाहिए ना हमें। तो इसके लिए सिंपल आप लोग गूगल ओपन करेंगे, google.com, यहां पे आप draz.pk लिखें, फॉर एग्जांपल draz.pk, draz.pk मैंने सर्च किया, इसके अगेंस्ट गूगल मुझे draz.pk के बहुत सारे पेजेस ले आएगा जो कि उसने ऑलरेडी कैश किए हैं। ऐसा ही है, देखें सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा आपके सामने एड का आएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ये देखें, ये draz.pk का वही पेज है जो मैंने एक्सेस किया हुआ। मैं इस पेज पे यहां पे जाऊंगा, देखो ये जो एरो बना हुआ है, राइट क्लिक करूंगा, ये देखें कैश लिखा हुआ आ रहा, वर्ड आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने गूगल का कैश्ड वर्जन सेव हो सामने आ जाएगा विद डेट टाइम एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि गूगल के क्रॉलर ने मेरे इस पेज को कब एक्सेस किया था, यानी कब कैश करके डेटा सेंटर में उसका रीसेंट इमेज भेजा था। देखें यहाँ पे अगर ओपन होता है ये, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हर डिटेल क्या बता रही होती है। ये देखें, गूगल कैश ऑफ दिस, इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपेयर्ड ऑन 28th of October, 7:23:51 GMT, यानी गूगल ने इस पेज को क्रॉल किया था, यानी डेटा सेंटर में इसका रिसेंट डेटा ट्रांसफर किया था 28th को। आज क्या डेट है? 30th, तो यानी आज से दो दिन पहले इसका स्नैपशॉट गया था। तो जो दो दिन में चेंजेस हुई हैं इस पेज पे वो हमारे पास नहीं शो होंगी यहाँ पे, ठीक है, इस पेज पे हमारे पास वो चेंजेस नहीं शो होंगी। अगर हम वेबसाइट के पेज को वैसे ही एक्सेस कर लेते हैं draz.pk लिख के, तो हमारे पास शो हो जाएंगे, लेकिन ये जो कैश वर्जन है उसमें हमारे पास रिसेंट चेंजेस नहीं शो होंगी। उसकी वजह क्या है? गूगल ने उसका डेटा, सॉरी क्रॉलर ने उसका डेटा अभी ट्रांसमिट नहीं किया डेटा सेंटर को, यानी क्रॉलर आया नहीं हमारे पास अभी तक। समझ आ गई क्रॉलर किस तरह वर्क कर रहा है? तो क्रॉलर बेसिकली आपकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम एक्सेस करता है फॉर चेकिंग रिसेंट चेंजेस। अब आपके आपके शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्रॉलर किस तरह से, हम कोई ऐसा वे है कि क्रॉलर जल्दी जल्दी हमारी वेबसाइट को विजिट करे? क्वेश्चन रेज होता है ना आपके माइंड में, क्या आता है कि क्रॉलर की क्या वजह होती है कि क्रॉलर कुछ डेज के बाद आता है, या जल्दी किस तरह से आ सकता है? ठीक है, ठीक है। बेसिकली देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम draz की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, draz.pk, ठीक है। एक मेरी वेबसाइट है bbcc.com, ठीक है, मेरी दो वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक वेबसाइट पे है, मैंने वेबसाइट अपनी लॉन्च कर दी, क्रॉल हो गई, उसके बाद गूगल का क्रॉलर आया,
उसने चेक किया दो दिन के बाद, आफ्टर टू डेज इसने चेक किया कि इस पे तो कोई चेंजेस है ही नहीं, नो चेंजेस, ठीक है। दूसरी मेरी वेबसाइट bbc.com जो कि न्यूज की साइट है, गूगल का क्रॉलर आया आफ्टर टू डेज या आफ्टर वन डे या जितना भी उसको पास उसका ड्यूरेशन था, जितने टाइम के बाद आना था, दो दिन के बाद आया। इसने चेक किया कि इस पे तो 100 प्लस चेंजेस हुई हैं, तो अब क्रॉलर क्या समझेगा? नई वेबसाइट है ये समझेगा? इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट ज्यादा बार, अब देखो, अब इसने द्रास डॉट पीके पे दो दिन के बाद आया, नई चेंज नजर आई, अगली बार वो हो सकता है चार दिन के बाद आए, लेकिन bbc.com पे उसको चेंजेस 100 प्लस नजर आई, अब क्या होगा? वो दो दिन के बजाय एक दिन के बाद आ जाएगा चेक करने के लिए। तो जितनी रिसेंट चेंजेस आप वेबसाइट पे करते हो, जितनी कंटिन्यूस चेंजेस आप कर रहे होते हो, गूगल समझता है कि वेबसाइट अपडेटेड है, मुझे इसको क्रॉल करना है, मुझे रिसेंट रिजल्ट दिखाने हैं लोगों को। जितना मटेरियल फ्रेश होगा, अपडेटेड होगा, उतना जल्दी आपके पेजेस कैश होंगे, क्रॉलर उसको कंसीडर करेगा। न्यूज वेबसाइट्स क्यों जल्दी क्रॉल होती हैं, जैसे bbc.com है, cnn.com है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज बहुत सारी आ रही होती हैं, ट्रैफिक भी आ रही होती है, इंटरनेट लिंक्स बहुत सारे होते हैं, वो बाद की बातें हैं, मैं भी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ फ्रेश कंटेंट कितना होता है। मैं हमेशा इस चीज से बिलीव करता हूँ, जब भी आप ब्लॉगिंग करते हैं तो कंटेंट पोस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको सेम रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं दो दिन के बाद, एक फिर आर्टिकल पोस्ट करें चार दिन के बाद, फिर आर्टिकल पोस्ट करें एक हफ्ते के बाद, नहीं, प्रॉब्लम होता है बहुत सारा। हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रखें, अगर आप दो दिन के बाद आर्टिकल पोस्ट करें तो दो दिन के बाद आर्टिकल कंटिन्यूसली पोस्ट करें, ठीक है। देखें, क्रॉलर या गूगल या सारी चीज़ें मशीन है ना, सॉफ्टवेयर है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये सारी चीज़ें मशीनी वर्क हैं, इनको आपको समझाना पड़ता है कि यार मेरी वेबसाइट बड़ी जल्दी चेंजेस होती हैं, तो मुझे विजिट करो, मेरी पेजेस को कैश करो, मेरे पेजेस को गूगल के रिजल्ट्स में शो करवाओ, समझ आइए। तो सर्च इंजन बेसिकली इस तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है, समझ आई नहीं आई? दोबारा समझा देता हूं, जितने भी सर्च इंजन है वो एक, आप सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉलर्स। क्रॉलर क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं, इमेज कैश करते हैं, कैश करके डेटा सारा उसका गूगल के डेटा सेंटर में या सर्च इंजन के डेटा सेंटर में भेज देते हैं। जब वो डेटा सर्च इंजन के डेटा सेंटर में भेज देते हैं तो वो सेव हो गया गूगल के पास, अब गूगल उसको रिजल्ट्स में शो करवाना स्टार्ट कर देगा। वो रिजल्ट शो करवाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कीवर्ड किस तरह वर्क करते हैं, कीवर्ड की टाइप्स क्या होती हैं। लोग क्यूरीज पंच करेंगे अपने गूगल सर्च बार में, उसके अगेंस्ट गूगल कुछ रिजल्ट शो करवाएगा उनको, उसमें आपके पेजेस भी आ रहे होते हैं बहुत सारे। जैसे दराज के एग्जांपल हमने ली, अगर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं शॉपिंग से रिलेटेड तो दराज हमारे पास टॉप पे आता है, तो वो कैश, वो रिजल्ट जो आपके सामने शो हो रहे होते हैं वो बेसिकली कैश्ड रिजल्ट्स में शो हो रहे होते हैं, जो गूगल ने कैश करवाए, जो क्रॉलर ने कैश करवाए थे आपके डेटा सेंटर में, ठीक है। तो सर्च इंजन सारे के सारे क्रॉलर बेस्ड वर्क कर रहे होते हैं। मैंने क्रॉलर की स्पीड आप लोगों को समझा दी कि जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट्स अपडेट हो रही होती हैं तो क्रॉलर उतना जल्दी आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी दराज की एग्जांपल दी कि दराज पे अगर क्रॉलर आया, उसने देखा चेंजेस नहीं हुई दो दिन बाद भी, तो हो सकता है मे बी वो तीन दिन के बाद आए, नेक्स्ट चार दिन के बाद आए, एक वीक के बाद आए, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर बीबीसी पे वो विजिट करता है क्रॉलर, उसने देखा कि यार चेंजेस तो इस पे 100 प्लस हुई है दो दिन के अंदर अंदर, तो नेक्स्ट टाइम वो मे बी एक दिन के बाद आ जाए। तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अपडेटेड है, कितना ज़्यादा अच्छा मटीरियल, कितना रिसेंट मटीरियल, फ्रेश मटीरियल पड़ा हुआ आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। अच्छा, अब गूगल किस तरह से रिजल्ट शो करवाता है। फॉर एग्जांपल, मैं गूगल पे एक टर्म सर्च करता हूं, टी शर्ट्स, कैश वर्जन का
कैश्ड वर्जन का पता चल गया आप लोगों ने किस तरह एक्सेस करना है कैश्ड वर्जन, कि आपकी वेबसाइट पे गूगल का क्रॉलर लास्ट टाइम कब आया था, कब विजिट किया था उसने। इसमें द्रास डॉट पीके बहुत सारे पेजेस ऐसे भी होंगे जिसपे शायद उसने कल विजिट किया हो या पिछले एक घंटा पहले विजिट किया हो, ऐसे पेजेस बहुत सारे होंगे। मैंने सिंपल एक टी शर्ट का वर्ड यूज किया। अब देखिए गूगल कितने रेलेवेंट रिजल्ट शो करवाता है आपको, हम उसको देख लेते हैं। गूगल कितना एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर सर्चेस। मैंने टी शर्ट का वर्ड सर्च किया, ये मुझे ऑटोमेटिकली google.com.pk पे ले गया। ऐसे ही है, पाकिस्तान में रहते हुए सर्च कर रहा हूँ। अगर मैं इसको जरा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास आप देखिएगा draz.pk कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा। उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, हम उसको समझते हैं डिटेल में कि वो किस तरह से रिजल्ट हमारे पास शो हो रहे हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट को क्या हो गया है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये देखें। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, आउटफिटर्स आ रहा है, टी शर्ट का वर्ड यूज हुआ है टाइटल में भी और यहाँ पे भी, और आ रहा है बाकी और बहुत सारी चीजें आ रही है। द्रास कहीं ना कहीं बॉटम पे एंड पे कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन जो सर्च इंजन की जो एसईओ की जो गेम चल रही होती है ना पूरी, वो जो वॉर होती है ना, वो पहले 10 रिजल्ट्स के लिए होती है, क्योंकि गूगल एट एक पेज पे आपको 10 रिजल्ट शो करवाता है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 90% यूजर्स ना सेकंड पेज पे नहीं जाते सर्च करते हुए, और 70% यूजर्स पहले 2 या 3 लिंक्स को देखते हैं बस। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो आपको टॉप पे कुछ चीजें शो होती है, मैंने आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं शर्ट्स ओके, ये हम draz.pk सर्च कर लेते हैं द्रास। मैंने ये वर्ड सर्च किया, यहाँ पे सबसे ऊपर ऐड आ रहा है और नीचे बाकी सारी चीजें शो हो रही हैं। अगर हम इसी तरह कोई और वर्ड सर्च करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग मैंने सर्च की, बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पहले नंबर पे आ रही है, दूसरे पे आ रही है, देखिए पहले पे गो टू आ रही है, सेकंड पे draz.pk आ रही है। इस तरह और मैं वर्ड सर्च करता हूँ पोलो टी शर्ट्स, यूनिवर्स टॉप पे आ रही है, द्रास फिर सेकंड पे आ रही है। ये जो इसकी रैंकिंग हो रही होती है अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि कीवर्ड होता क्या है और लोग सर्च करते हैं, जो चीज सर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक मैं वर्ड सर्च करता हूँ, एक क्यूरी सर्च करने लगा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो कीवर्ड है या नहीं है। हाउ टू बाय अ गुड टी शर्ट आई रियली वांट टू बाय पोलो टी-शर्ट। ये जो मैंने सर्च किया है क्या ये कीवर्ड है? ठीक है, और देखें इसमें मेरे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं, पोलो शर्ट्स के रिजल्ट मैं शो परचेज कर सकता हूँ। देखें अमेजोन इंडिया का शो हो रहा है, पोलो टी शर्ट्स मेरे पास, और बहुत सारी वेबसाइट्स का, ये शॉपर्स टू स्टॉप है, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, रिजल्ट शो हो रहे हैं पोलो टी शर्ट्स के। ये कीवर्ड है? कौन कहता है ये कीवर्ड है? कौन कहता है कीवर्ड है? कौन कहता है कीवर्ड नहीं है? ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये जो ये कौन कहता है कीवर्ड नहीं है? इससे मेरा मेन पर्पस क्या था?
पोलो टी शर्ट मेरा पॉइंट था। देखें अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये बेसिकली जो मैंने किया ये क्यूरी थी, इसको हम कहते हैं क्यूरी। इसमें जो मोस्ट कॉमन कीवर्ड या जो मोस्ट कॉमन वर्ड यूज हुआ है उसको हम कहते हैं कीवर्ड। इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड क्या था? टी शर्ट। तो टी शर्ट इज माई मेन कीवर्ड बट दिस होल फ्रेज इज अ क्यूरी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर फ्रेज कीवर्ड नहीं होता लेकिन हर कीवर्ड एक क्यूरी होती है? कह सकते हैं हम या नहीं कह सकते? हर क्यूरी एक कीवर्ड नहीं होता बट हर कीवर्ड एक क्यूरी होती है। समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन क्यूरी एंड कीवर्ड? कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं मानता हूं, लेकिन उसमें ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि हमारा मेन कीवर्ड होते हैं। मोस्ट डिलीशियस डिशेस इन पाकिस्तान, आई रियली वॉन्ट टू ईट डिलीशियस डिशेस। डिलीशियस डिशेस इज माई मेन कीवर्ड, अदर आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी क्यूरी को हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जो आपके माइंड से चीजें निकलती हैं वो मोस्टली क्यूरी होती हैं। कीवर्ड उसमें मोस्ट जो फ्रीक्वेंट चीज होती है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई क्यूरी? और वो बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सिर्फ गूगल की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ओके, ठीक है जी। पॉपुलर वेबसाइट्स बहुत जल्दी क्रॉल होती हैं, मैंने आप लोगों को समझा दिया सारा। इसमें और कोई कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? कंफ्यूजन कोई? तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि गूगल किस तरह वर्क करता है, सर्च इंजन वर्क किस तरह करता है, क्रॉलर क्या होता है, कैश क्या होती है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड में और क्यूरी में डिफरेंस क्या होता है। समझ आ गई सारी चीजें? चलिए जी, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बेसिकली, आप लोगों को समझा दूं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है SEO में सिर्प, SERP। ये अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट वर्क करता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। चले मैं आप लोगों को यहां लिख देता हूं SERP। इसको कहते हैं हम सर्च इंजन रिसर्च पेजेस, सर्च इंजन रिसर्च पेजेस। कि इसका मतलब ये होता है कि गूगल आपको रिजल्ट्स किस तरह से शो करवाता है जब भी आप कोई कीवर्ड पंच करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूं, अगर हम गूगल .co.uk सर्च करते हैं, और यहां पे मैं सर्च करता हूं फ्लावर, देखते हैं इसके अगेंस्ट हमारे पास एड्स के रिजल्ट्स शो होते हैं नहीं होते, नहीं इसके अगेंस्ट बाय बाय फ्लावर्स। ये देखें, मैंने बाय फ्लावर्स एक कीवर्ड सर्च किया, इसके अगेंस्ट मेरे पास ये जो 1, 2, 3, 4, गूगल की पॉलिसी है कि पहले चार रिजल्ट्स जो होंगे वो एड्स के होंगे, इसको हम कहते हैं गूगल एडवर्ड्स के रिजल्ट्स। गूगल एडवर्ड्स के रिजल्ट ये होते हैं कि गूगल को लो ये लोग पे कर रहे हैं अपने आप को टॉप 4 रिजल्ट्स में शो करवाने के लिए। ठीक है, यानी ये पेड रिजल्ट्स हैं, लोग इनको पे कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि कितना कॉस्ट पे करते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, ये हो गया।
यानी ये लोग पे कर रहे हैं गूगल को, उसके बाद जो आपको रिजल्ट शो होते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मीन कि लोग अपनी वेबसाइट के एसईओ कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट रिजल्ट उनको शो हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो पहली चीज होती है हमारे पास एडवर्ड्स के रिजल्ट्स, दूसरी चीज होती है हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं वो आपकी रैंकिंग की बेस पे शो हो रहे होते हैं, और ये जो ऊपर टॉप पे चार रिजल्ट शो हो रहे होते हैं इसको हम कहते हैं एडवर्ड्स के। क्या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम गूगल को पे कर दें एडवर्ड्स के लिए टॉप रैंकिंग हमारी वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाती है, देन व्हाई वी नीड टू स्पेंड ऑन एसईओ? और गूगल को जो पे किए जाते हैं रिजल्ट्स, एज सून एज यू क्विट योर एडवर्ड कंपेन आपकी वेबसाइट रैंकिंग में कहीं शो नहीं होती, लेकिन एसईओ के रिजल्ट्स बड़े परसिस्टेंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मैं आपको उस तरफ आने लगा हूं। और अकॉर्डिंग टू गूगल्स ओन डेटा एंड रिसर्चेस 70 to 80% लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और इन रिजल्ट्स पे आते हैं। 20 to 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चार रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। कभी आप लोगों ने क्लिक किया इन रिजल्ट्स पे? कभी पूरी क्लास में किसी ने किया हो? नहीं किया। हम नहीं करते इनको क्लिक। तो गूगल के डेटा के मुताबिक 70 to 80% लोग स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे। लोग इन पे बिलीव नहीं करते, सिर्फ 20 to 30% लोग इस पे बिलीव करते हैं। इसलिए आप ये जब भी आपका कोई इंटरव्यू होगा एसईओ से रिलेटेड, लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, जी अगर मैं एडवर्ड कंपेन चला लूं मेरी वेबसाइट तो टॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाती है, देन व्हाई आई नीड टू स्पेंड ऑन एसईओ? तो आप उसको समझाएंगे कि गूगल के डेटा के मुताबिक 70 to 80% लोग स्क्रॉल डाउन करके ऑर्गेनिक रिजल्ट पे आते हैं, 20 to 30% लोग उसको कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रैफिक को छोड़ रहे हो जस्ट टू गेट 30% ऑफ योर ट्रैफिक। एक चीज, दूसरी चीज ये कि गूगल एडवर्ड्स, जैसे ही आप गूगल एडवर्ड्स क्विट करते हो, खत्म करते हो, आपके रिजल्ट आपकी वेबसाइट रैंकिंग में कहीं शो नहीं होती, लेकिन एसईओ करने से आपकी वेबसाइट रैंकिंग में शो होती रहेगी कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो आप उसको इस तरह समझाएंगे, क्लियर? अच्छा, ये जो दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एडवर्ड्स वाले पार्ट और ऑर्गेनिक रिजल्ट वाले पार्ट, इसको कहते हैं गूगल सिर्फ SERP। कौन सा ये रहा। ये गूगल के बेसिकली जो मैप है ना, गूगल मैप, उस पर सबमिशन हुई है जिस वजह से रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसकी भी ऐसी होती है अलग। अच्छा, अगर हम सर्च करते हैं रेंट अ कार यूके में, ठीक है, ये देख लें, एक दो रिजल्ट जो हमारे पास शो हो रहे हैं बेसिकली एडवर्ड्स के शो हो रहे हैं, उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं सारे। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक रिजल्ट के लिए करते हैं, बाकी चीजों के लिए तो आप एडवर्ड कंपेन चला देते हो। वो जो मर्जी सोचे, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस सिर्फ ये है कि एडवर्ड्स कंपेन पेड होती हैं, लोग उस गूगल के डेटा को देखते हुए। मैं आप वो हम एंड पे करते हैं थोड़ा सा, मैं जरा चल, वो हम करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप एडवर्ड कंपेन भी चला सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। एसईओ करते फिर ऑब्वियसली आएगी ना, फिर तो ऑब्वियसली आएगी। आपको क्वेश्चन है कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्यों स्पेंड कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाईली कंपैरेटिव होते हैं, जिनकी रैंकिंग इम्पॉसिबल होती है। यानी समझ लें, इम्पॉसिबल रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको रैंक जितना मर्जी कर लें आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जो हाईली कंपैरेटिव कीवर्ड्स होते हैं ना,
उसके लिए आप कर रहे होते हो एडवर्ड्स कंपेन, और जो जरा लो कंपेरेटिव कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप रैंकिंग में ला सकते हो उसके लिए आप कर रहे होते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कैसी एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, ठीक है, मैं अगर मोबाइल फोन सर्च करता हूँ यार मोबाइल फोन में मुझे कर लेने दो काम, मोबाइल फोन्स ये एक जेनेरिक टर्म है जो लोग सर्च करते हैं फॉर गेटिंग देयर मोबाइल्स, ठीक है, ये एक बहुत जेनेरिक कीवर्ड है, इसकी रैंकिंग इम्पॉसिबल होगी आप लोगों के लिए। या हम एक और कीवर्ड सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी एक बहुत हाईली कंपेरेटिव कीवर्ड है जिसकी रैंकिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं आप लोगों को कीवर्ड डिफिकल्टीज दिखाऊंगा, आप लोगों को कीवर्ड की कंपेरेटिवनेस आपको किस तरह पता चलती है वो जब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, आज के लेक्चर में ही आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ का मतलब क्या हो गया? गूगल सर्च, जो इसका मतलब क्या है, सर्च इंजन रिसर्च पेजेस। तो गूगल आपको दो पार्ट में दिखा रहा होता है, एक पार्ट होता है एडवर्ड्स का, दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट का। सिर्फ समझ आ गया आपको? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि Why we should go for SEO rather than going for AdWords? तो आप क्या कहोगे उसे? ठीक है, ठीक है, मतलब वो कौन बीता है, कोई भी नहीं बीता उसकी तरह बीता है, बट वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो वो किसी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों के भाई आके पीलो, पर कोई भी नहीं बीता। तो सेम लाइक जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है उसको इतना पेड एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, उसका अपना मटीरियल ही जो होता है वो ठीक होगा। ठीक है, अब आपको मेन चीजें समझ आ गई हैं, SEO क्या होती है, गूगल वर्क किस तरह करता है, कीवर्ड किस तरह होते हैं, क्रॉलर्स क्या होते हैं। अब कोई आपसे पूछे, आपके माइंड में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसको समझाते हुए कि ये टर्म्स क्या हैं। गूगल सिर्फ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्यूरीज कर रहे होते हैं कि गूगल सिर्फ क्या है, ठीक है। तो बेसिक कोई आपको कहे गूगल सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करनी है आपने, तो आपने डायरेक्टली फौरन से अपने माइंड में क्लिक करना है कि वो ही इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, एडवर्ड्स प्लस ऑर्गेनिक रिजल्ट। अगर आप वो कोई कहे कि आपने SEO करनी है, फिर आप क्या फोकस करोगे? सेकंड पार्ट है फोकस करोगे जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वाला पार्ट है। क्लियर? चले अब आती है बात SEO की। SEO कितने टाइप्स की होती है, SEO करते किस तरह से है। SEO की बेतहाशा टाइप्स हैं, बेतहाशा। लेकिन अगर ब्रॉड रेंज में हम बात करते हैं तो सिर्फ दो टाइप्स होती हैं SEO की, जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। गॉट इट? ओके, दो तरह की SEO होती है, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO, ठीक है। अब ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस क्या होता है, मैंने उस दिन MNA वाले एग्जांपल से भी समझाया था कि जो चीज आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, जो अपनी अपने घर सुधारने के लिए चीजें परफॉर्म कर रहे होते हो, उसको हम ऑन पेज कहते हैं। हर वो चीज जो डायरेक्टली लिंक्ड होती है टू योर वेब पेज इज कॉल्ड ऑन पेज SEO। थिंग्स लिंक्ड विद योर वेब पेज इज कॉल्ड ऑन पेज SEO, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को समझा देता हूं फिर। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं दराज.pk के पेज पे ही गया, इस पे जो चीजें यहां मैंने ऐड की हैं, जो चीजें यहां आपको शो हो रही हैं, जो आपको वर्ड शो हो रहे हैं, जो आपको टाइटल शो हो रहे हैं, जो आपको इमेजेस शो हो रहे हैं, जो आपको स्लाइडर शो हो रहे हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वेब पेज जो आप इस पे चेंजेस करोगे, इसको हम कहते हैं ऑन पेज SEO। उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको हम बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका एक कीवर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग, टाइटल में शो हो रहा है,
उसके बाद नीचे हम ब्राउज करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन शॉपिंग शो उसने ऐड किया होगा, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। या अगर हम एक सर्च कर लें सिर्फ कंट्रोल एफ ऑनलाइन शॉपिंग, कितनी बार लिखा हुआ उसने, सिक्स टाइम्स, ये वर्ड जगह जगह उसने यूज किया हुआ है। अब गूगल का क्रॉलर यहाँ पे आया, उसने देखा कि यार ऑनलाइन शॉपिंग टाइटल में यूज हुआ हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग नीचे भी बार बार हो रहा है, तो गूगल उसको कैटेगराइज कर देता है, क्रॉलर उसको ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देता है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस, यानी कि इसकी रेलेवेंस ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है, तो गूगल का क्रॉलर ऑटोमेटिकली उसको ऑनलाइन शॉपिंग वाले बॉक्स में डाल देगा। अगर कोई चीज मोबाइल फोन से रिलेटेड है तो उसको मोबाइल फोन वाली कैटेगरी में डाल देगा, अगर कार रेंटल वाली चीज है तो उसको कार रेंटल वाले पार्ट में ऐड कर देगा। तो गूगल आपको मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट शो करवाता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेलेवेंस। और रेलेवेंस गूगल किस तरह चेक करता है, विद द हेल्प ऑफ यूर कीवर्ड्स, जो कीवर्ड ज्यादा आप यूज कर रहे होते हो वो आपकी रेलेवेंस कंसिडर होती है, ठीक है। तो जो भी चीज आप इस पे परफॉर्म कर रहे होते हो वेब पेज पे रहते हुए उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, और जो ऑफ पेज एसईओ होती है वो बेसिकली होती है आउटसाइड योर वेबसाइट, एवरीथिंग यू परफॉर्म, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं कि आउटसाइड वेबसाइट आप कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हो, इसमें एवरीथिंग यू परफॉर्म आउटसाइड द वेबसाइट या वेब पेज इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, कौन बोर हो रहा है यहां पे? अच्छा, ऑफ पेज एसईओ, जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे होते हो ऑफलाइन ऑफ साइड योर वेब पेज, उसको हम, इसमें जो मेजर चीज यूज होती है उसको हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें भी यूज होती हैं, लेकिन मेजर चीज यूज होती है लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग क्या चीज है, अभी इसको हम डिटेल में, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लिंक बिल्डिंग होती किस तरह, किस किस टाइप की है, इसकी 10-12 टाइप्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। मैं क्लास में आपके सामने परफॉर्म करूंगा लिंक बिल्डिंग, हर कैटेगरी, हर टाइप की एक एक लिंक बिल्डिंग आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, सिंपल वर्ड में आप समझ लें, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं, एक केस स्टडी कर लेते हैं। एक वेबसाइट है a.com, एक वेबसाइट है b.com, ठीक है। वेबसाइट ये भी आपकी सर्च इंजन फ्रेंडली है, फ्रेंडली वेबसाइट है, इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें, ये वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली है, ये वेबसाइट भी सर्च इंजन फ्रेंडली है, ठीक है। सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट का पता है क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया, सिंपल होती है, जल्दी जल्दी लोड होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, बस अभी फिलहाल ही समझ लें, रिस्पॉन्सिव, सिंपल और जल्दी लोड होती है, ठीक है। उसमें ए वेबसाइट भी पॉपुलर है, पॉपुलर ये भी है, इसका मैं जरा देख लेता हूँ, पॉपुलर ये भी पॉपुलर है वेबसाइट, यानी लोग इस पे आते हैं, विजिट करते हैं, और वेबसाइट पॉपुलर ये भी है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वेबसाइट के बारे में लोग कितने लोग बातें कर रहे हैं ऑनलाइन, मैं कहता हूं इस वेबसाइट के बारे में लोग, दो वेबसाइट्स पे लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, टू पीपल टॉकिंग अबाउट दिस वेबसाइट, और ये जो वेबसाइट है इसके बारे में 100 लोग
टॉकिंग अबाउट दिस वेबसाइट. इसके बारे में 100 लोग बातें कर रहे हैं वेबसाइट पे, डिफरेंट वेबसाइट. फॉर एग्जांपल डिफरेंट फोरम्स होते हैं, फोरम्स का पता है आप लोगों को, जहां पे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं. फोरम्स पे वेबसाइट ए के बारे में 2 लोग बातें कर रहे हैं कि यार a.com इज वेरी गुड वेबसाइट, a.com हैव ग्रेट मटेरियल, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड बी वेबसाइट के बारे में 100 लोग डिफरेंट वेबसाइट से बातें कर रहे हैं, ये 100 डिफरेंट वेबसाइट्स पे उनके लिंक्स पड़े हुए हैं. तो कौन सी वेबसाइट गूगल कंसीडर करेगा ज्यादा अच्छी है? बी वेबसाइट. इसकी वजह क्या है कि बी वेबसाइट के बारे में वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा है, बी वेबसाइट के बारे में लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं, बी वेबसाइट को लोग डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं, बी वेबसाइट के 100 साइट्स पे लिंक पड़े हुए हैं. ये जो लिंक्स हमारे किसी और वेबसाइट पे पड़े होते हैं ना, इसको हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग. ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे, नो मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी वेबसाइट का लिंक आना चाहिए. ठीक है, तो वो गूगल समझेगा ये मोस्ट रेलेवेंट साइट है. अब देखो एक कीवर्ड मेरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूं ऑनलाइन शॉपिंग, अब ऑनलाइन शॉपिंग दोनों ही के मेन कीवर्ड हैं, लेकिन अगर 100 लोग b.com के बारे में बात कर रहे हैं और 2 लोग a.com के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कीवर्ड के लिए गूगल बी को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि इसके लोग जानने वाले ज्यादा हैं, लोग उसके बारे में बातें ज्यादा कर रहे हैं. समझ आ गई? क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन यहां पे? कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर है? देख लें, वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी. देखो मैं आपको वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात आ जाती है कि वेबसाइट स्ट्रक्चर जितना आपका स्मूथ होगा, अलाइंड होगा, अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्रॉलेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी क्रॉलेबिलिटी ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल, एक जब साइट बनती है उसको, उसके साथ एक साइट मैप बनता है आपका. आपको मैप हम छोड़ देते हैं, हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं. आपने कोई घर नया बनाना हो, घर का न्यू बनाना हो, आप उसका नक्शा बनवाते हैं पहले सारा कंप्लीट, उसमें आप इंटीरियर कैसा लगवाना है, उसका पूरा प्लान क्या होगा, फ्लोर प्लान क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, वो सारा प्लान बनता है सारा. वो जितना कॉम्प्लेक्स होगा ना मजदूरों को, क्योंकि काम तो आगे मजदूर ने करना है, इंजीनियर ने काम नहीं करना, उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल होगी. ऐसा ही है, जितना आप उसको सिंपलिसिटी बना के, सिंपल बना के देंगे, उतना जल्दी वो समझ के काम कर देगा. सेम गोज विद क्रॉलर. अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन मैप कॉम्प्लेक्स है तो उसको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, वो नहीं समझ सकेगा, मे बी कुछ मिस्टेक्स हो जाए उससे. लेकिन अगर उसका डिज़ाइन सिंपल है तो गूगल का क्रॉलर जल्दी समझेगा उसको, जल्दी इंडेक्स करेगा, जल्दी कैश कर देगा उसको. तो अगर आपकी वेबसाइट का मैप सिंपल है तो क्रॉलेबिलिटी अच्छी होगी, अगर आपका मैप सिंपल नहीं है तो क्रॉलेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होगी, टाइम लगेगा उसमें. ठीक है, चले. कॉम्प्लेक्स मैप कैसा होगा, किसका कॉम्प्लेक्स कैसी होगी, जिसमें आपके पास हजारों कैटेगरीज हों, आपके आर्टिकल्स हों, आपकी वेबसाइट पे. या एक और कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूँ मैं, और एक कॉम्प्लेक्सिटी ये भी हो सकती है कि आपने वेबसाइट पे 50 कैटेगरीज बनाई हैं, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 2 कैटेगरीज में हो, बाकी कैटेगरीज तो फजूल बनी है ना. आपने 50 कैटेगरीज बनाई हैं लेकिन आर्टिकल सिर्फ 1 कैटेगरी का हो. अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है हमारा कल का इंशाल्लाह. आज आपको सिंपल बता देता हूँ कीवर्ड आपने सर्च किस तरह करना है, अपने कीवर्ड से रेलेवेंट कीवर्ड्स को सर्च किस तरह करना है. हमें नहीं समझ आ रहा था समटाइम कि हमारे कीवर्ड से रेलेवेंट कीवर्ड कौन से हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं. मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, सर्च क्यूरीज की बात नहीं कर रहा, जहन में रखिएगा. रेलेवेंट कीवर्ड सर्च किस तरह करने हैं आपने, कीवर्ड कंपटीशन किस तरह देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है. हमें पता होना चाहिए ना कि क्या इस कीवर्ड को यूज करने से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी या नहीं आएगी, या हम वैसे ही इस पे हवा में तीर चला रहे हैं. तो इसके लिए एक टूल यूज होता है जिसको हम कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर. गूगल कीवर्ड प्लानर, इसके 2 वेज हैं. आप सिंपल लिख लें google.com/sktools,
क्या हुआ, इसके टूल शायद उन्होंने डाउन कर दिए, ये लिंक शायद वर्क ना करे, लेकिन खैर उन्होंने लिंक डाउन कर दिया, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये गूगल कीवर्ड प्लानर का लिंक है, इसको आप एक्सेस करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, आप इसको साइन अप करेंगे, अगर आपने साइन अप किया हुआ तो साइन इन कर लेंगे आप। ये देखें एसके टूल्स नहीं है, सॉरी, आप सर्च करेंगे google.com/sktool, वही आपके सामने पेज वही ओपन हो जाएगा। आप स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने साइन इन आ जाएगा, आप साइन इन करेंगे किसी भी ईमेल, आपको जीमेल चाहिए होगा इसके लिए, कोई भी जीमेल आप यूज कर लें। इसके बहुत सारे प्रीमियम टूल भी यूज होते हैं कीवर्ड सर्च के लिए, हम कल के लेक्चर में उनको कुछ को कवर करेंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ यूज करने की आपको परमिशन देते हैं, कुछ फंक्शंस आप उनके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। किसी ने यूज किया पहले गूगल कीवर्ड प्लानर? कब? हाँ भाई अहमद, समझ आ रही है कुछ? SEO किस तरह होती है, आपने प्रोजेक्ट पकड़ लिया SEO का, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप इस तरह ओवरनाइट कर लोगे। क्यों? मैंने कल आपको बात की, मैसेज किया था, नहीं मैंने नहीं पढ़ा, नहीं अभी बताओ। सर वो कहता है कि टू डू द SEO ऑन एनी वेबसाइट यू विल नीड FTP डिटेल टू सेट द पेज ऑफ योर वेबसाइट। इसका मतलब है, आपने मुझे कहा था कि उसकी वेबसाइट बनी है वर्डप्रेस पे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई। नेक्स्ट बात करो, That will be? किसने कहा है? जिसने उसकी वेबसाइट बनाई है वो पैसे मांग रहा है, इसका मतलब उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे पैसे दोगे तो मैं उसकी लॉगिन डिटेल दूंगा सर्वर की। वो इंडियन है, दोनों इंडियन है, दोनों एक दूसरे को लूटने के चक्करों में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, आपको SEO करने के लिए कंप्लीट वेबसाइट की एक्सरसाइज चाहिए होती है, आप बहुत सारी चीजें उस टाइम कर रहे होते हो, इंस्टेंट चेंजेस आपको चाहिए होती हैं। गूगल ने आपको कहा कि इसको चेंज करो, आप उसको पहले ईमेल लिखोगे, उसको भेजोगे, वो इंडियन वाले को भेजेगा, उसके बाद वो आपके इधर आएगा, चेंजेस होंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि SEO इस तरह से हो जाए। Thank you.
चलें आपके सामने जब गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन होगा आपके सामने इस तरह का मेन्यू आएगा। पहले ये चेंज था, पहले और तरह से आता था, इन्होंने और इसका इंटरफेस चेंज किया। आप क्लिक करेंगे फाइंड न्यू कीवर्ड्स पे या गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट। आपको दो वेव्स हैं, आप सर्च कीवर्ड सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपने कीवर्ड ऐड कर देंगे, कीवर्ड मैं सर्च करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल चले हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं जो उसकी वेबसाइट थी, क्या वेबसाइट, रेंट ए कार। उसका मेन बिजनेस क्या है, रेंट ए कार या मिनी कैब। मिनी कैब, मिनी कैब रेंट अ कार। यार मैं इसको इस एग्जांपल को छोड़ देते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर ले जी। हाँ साहब, रेंट हम कर लेते हैं फ्लावर, यानी फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है जहां पे मैं फ्लावर सेल करता हूँ, ठीक है। मैंने फ्लावर बाय फ्लावर, और क्या हो सकता है, डिलीवर फ्लावर, फ्रेश फ्लावर, ये मुझे मैंने कीवर्ड सर्च किए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया मैंने। ये देखें मेरे पास डिफरेंट आइडियाज आने स्टार्ट हो गए। आप देखें अब आपके माइंड में कुछ कीवर्ड से दो तीन, क्योंकि हमारे माइंड में कीवर्ड आ नहीं रहे थे उससे रिलेटेड कि हमारा बिजनेस तो फ्लावर से रिलेटेड है, लेकिन हमें कीवर्ड नहीं मिल रहे थे कि लोग क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। अब गूगल ने आपको रिजल्ट्स दिखाने स्टार्ट कर दिए कि लोग इसके अगेंस्ट क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अब देखें ये जो मेरा मेन कीवर्ड है फ्लावर डिलीवरी, 5500 वॉल्यूम सर्चेस है, 550,000 वॉल्यूम सर्चेस हैं, एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 1,00,000 से लेके 1,000,000 तक, और कंपटीशन है हाई। इस तरह फ्लावर्स है, इसकी इतनी सर्चेस हैं 1,000,000 से लेके 10,000,000 तक सर्चेस हैं और कंपटीशन है हाई। बाय फ्लावर, फ्रेश फ्लावर, फ्यूनरल फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, ऑर्डर फ्लावर, मदर डे फ्लावर, इसको आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये आपको सारे के सारे कीवर्ड मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर कैटेगरी के, लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड सर्च कर रहे हैं। देख लें यहाँ पे सारी चीजें फ्लावर से रिलेटेड हैं। अगर यहाँ पे मैं और कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ वो भी लिख सकते हैं। अगर मैंने मोबाइल फोन से रिलेटेड मेरी शॉप है, या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं हम, ऑनलाइन शॉपिंग और टी शर्ट्स, और बताएं जी। नहीं, एक से भी कर सकते हो, लेकिन आप गूगल को मोस्ट रेलेवेंट समझाने के लिए आप 2-3-4 आइडियाज दे देते हो। और क्या वर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं, वर्ड्स बोलें जी। ट्राउजर्स, शर्ट्स, ये मैंने कीवर्ड सर्च किए, एंटर किया, ये देखिए मुझे इससे रिलेटेड वो सारे के सारे रिजल्ट अपडेट करेगा। देखिए टी शर्ट है, इसके सर्च रिजल्ट कितने हैं, 1,00,000 से लेके 1,000,000 तक। इस तरह टी ट्राउजर्स हैं, अगर देखें अब आपको आप कह रहे होंगे सर इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस कंट्री के सर्च रिजल्ट हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए लोकेशन आपके सामने आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, टारगेटेड लोकेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो ऐड नहीं हो रहा, अच्छा ऐड इट, इसमें एडिटिंग की वजह से ये रहा, ठीक है ऊपर आप यहां लिखोगे पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो, आप समझते हो कि आपका बिजनेस पाकिस्तान में है, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोवेंस में बिजनेस करते हो तो आप उस स्पेसिफिक प्रोवेंस की भी डिटेल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हो पंजाब में सिर्फ, तो यहाँ पंजाब सेलेक्ट कर दो और सेव कर दो इसे, तो आपको ये सारे के सारे रिजल्ट अपडेट कर देगा अकॉर्डिंग टू पंजाब, ठीक है। अपने कीवर्ड ऐड करो, सर्च किया, ये आपको पंजाब से रिलेटेड रिजल्ट दे रहा है सारे,
ठीक है। आप करना चाहो पूरे पाकिस्तान में, तब सिंपल पाकिस्तान लिख दोगे, या आप यूके करना चाहो कि किसी भी कंट्री का करना चाहो, आपको आपको मिल जाएगा या पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया सेफ। ये आपको पाकिस्तान से रिलेटेड रिजल्ट्स शो करवाने स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा आप लैंग्वेज चेक करना चाहो, कुछ लोग कहते हैं कि हमें समटाइम आप उर्दू वेबसाइट की रैंकिंग कर रहे होते हो, होता है ना, जैसे उर्दू पॉइंट डॉट कॉम है, वो कैसे रैंकिंग कर रही होगी, वो उर्दू से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगी, ठीक है, या कुछ अरेबिक होती है या रीजनल वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो उस तरह की रैंकिंग के कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन सारे मौजूद हैं यहाँ पे, आप उनको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं दोबारा से एक क्यूरी आपके सामने पुट करता हूं। आपको देखें, अब आपको रेलेवेंट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी, कुछ लोगों ने, उसमें आपने इमोशनल होके 15-20 पेजेस बना दिए होंगे, कैटेगरीज बना दी होंगी, ऐसा ही है, कुछ लोगों ने बनाई है, मुझे मैंने देखी है ना, तो 15-20 कैटेगरीज बनाई होंगी, 15-20 पेजेस बना दिए होंगे। अब आपको क्या होता है, आपको हर पेज के लिए रेलेवेंट कीवर्ड 5-10 सर्च कर रहे होते हैं और उस पेज पे उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, तब जाके वो स्पेसिफिक पेज रैंकिंग में आता है। समझ आई है? फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे आपके पास कैटेगरीज हैं मोबाइल फोन्स, एक आपका होम पेज होगा, एक आपका होम पेज होगा, मोबाइल फोन होगा, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं क्लॉथिंग होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, आपके पास और क्या हो सकता है, ग्रॉसरी होगा, ठीक है, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेजेस बन गए, ऐसा ही है। तो आप इनको इन 6 पेजेस से रिलेटेड, हर पेज से रिलेटेड आपको 5-6 रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे, उनके अगेंस्ट आपको इस पे कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना पड़ेगा, कोई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाके गूगल को समझ आएगी कि आपका ये पेज इस कैटेगरी से लिंक करता है। अगर आप सिंपल एक ही कीवर्ड बेस पे सारी चीजें करते रहेंगे तो गूगल विल गेट कंफ्यूज्ड। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में समझाया था कि आप लोग जब भी वेबसाइट या ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, स्टार्ट विद वन निश, एक निश पे फोकस करें, उस पे आर्टिकल लिखें, जब वो रैंक हो जाए फिर न्यू कैटेगरी क्रिएट करके उस पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दें। ऑलवेज स्टार्ट विद वन निश। अगर आपके मल्टीपल देखें, अगर एक क्लाइंट की 5-6 सर्विसेज हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट सर्विसेज है, ग्राफिक डेवलपमेंट है, एसईओ है, एडवर्ड मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है और बहुत सारी चीजें, तो उसको हर पेज के लिए अलग कीवर्ड टारगेट करने पड़ेंगे। वो इसी तरह करेगा कि वो जाएगा गूगल एडवर्ड्स पे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे, यहां से रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर हम कौन से कीवर्ड को टारगेट करें, क्या हम एक हाई कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, या लो कंपटीशन कीवर्ड हो तो कितना लो कंपटीशन हो उसमें, कैसे टारगेट किया जाए। उसका आंसर करने के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसमें मैं लोकेशन चेंज करता हूं, हम लोकेशन कर देते हैं पाकिस्तान, यूके, सेट कर देते हैं जर्मनी, मैंने सेव किया, चले। अच्छा, ये मैंने सर्च किया। अब आपने करना क्या होता है, अगर आप एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लो कंपटीशन कीवर्ड जिस पे ट्रैफिक आ रही है 10 वॉल्यूम, यानी इसका हम यहां पे देख लेते हैं कौन सा ऐसा कीवर्ड इसका वॉल्यूम सबसे कम है, चलें हम एज्यूम कर लेते हैं
कि ये कीवर्ड है सेम डे फ्लावर डिलीवरी, इस पर ट्रैफिक आती 60 वॉल्यूम आ रहा है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 60 लोग उसको विजिट कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, उसको पर मंथ कर सकते हैं, पर ईयर कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ये लास्ट 12 मंथ का डेटा शो करवाता है, यानी पिछले 12 मंथ में उसने 60 लोगों ने उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है सेम डे फ्लावर डिलीवरी, इस पे इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 60, इसका मतलब ये होगा कि 60 लोगों ने विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट को अगर आप ये कीवर्ड फोकस करते हैं। ये रैंकिंग तो जल्दी हो जाएगी इसकी क्योंकि कंपटीशन बहुत लो है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट होगा आपको? कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 60 लोगों से क्या बनना है? कुछ भी नहीं बनना। 60 में से मे बी एक ऑर्डर कर दे, दो ऑर्डर कर दे। तो आप ये आपकी असाइनमेंट आज आप लोगों ने सर्च करके आना है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए जो हम न्यूली वेबसाइट के लिए टारगेट करें। ठीक है, वो लो कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन कितना सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट होना चाहिए जिस कीवर्ड को हम टारगेट करें? वो 1000 भी हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ अभी, इसको हम कल डिस्कस करूंगा इसको मैं, लेकिन आप लोगों के असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कल देख के आना है कि क्या कीवर्ड सर्च वॉल्यूम होना चाहिए एक लो कंपटीशन कीवर्ड के लिए जिसको हम टारगेट करें। अब आती है बात, आप लोगों को समझा देता हूँ गूगल एडवर्ड्स वाली बात, शायद किसी के माइंड में अभी तक फंसी हुई हो कि गूगल एडवर्ड्स हम क्यों नहीं यूज करते, सॉरी गूगल एडवर्ड्स को प्रेफरेंस क्यों नहीं देते हम एसईओ पे। आपके सामने ये देखें एक स्कोर आ रहा है, इसे उसको कहते हैं बिड रेंज, आ रही है बिड। इसका मतलब क्या होता है ये देखें, अगर तो वो ये वाला कीवर्ड, मैं इसको जरा स्क्वीज कर देता हूं अगर मुझे अलाउ होता है तो, या ठीक है आइए ना, अगर मैं इस फ्लावर वाले कीवर्ड को टॉप पे शो करवाना चाहता हूं गूगल रिजल्ट्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लावर सर्च करूं और मेरा जो रिजल्ट है वो टॉप पे आए, बिल्कुल टॉप पे जहां पे एड्स के रिजल्ट आ रहे थे, याद है आप लोगों को, तो मेरा रिजल्ट वहां पे आए तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? ₹351 पर क्लिक, यानी एक बंदा क्लिक करेगा मेरे उस रिजल्ट पे आके तो मुझे उसका ₹351 पे करना पड़ेगा गूगल को। अगर एक दिन में मेरे पास 100 लोग क्लिक कर देते हैं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 35,000। और अगर वो मंथ में बात जाती है तो मल्टीप्लाई बाय करते हैं उसको आप 30 से, तो आपको ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा गूगल को फॉर 1 मंथ कंपेन। तो जो हाईली कंपेरेटिव, देखें इसका कंपटीशन मीडियम है अभी, और हाई कंपटीशन अगर बात करते हैं, अगर इस कीवर्ड की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होंगे जिनकी कॉस्ट 400 प्लस भी होगी। ये देख लें सारे कीवर्ड की कॉस्ट आपके सामने आ रही है, देखें इसका कंपटीशन तो हाई है, हाई कंपटीशन है, देखें आर्टिफिशियल फ्लावर का कंपटीशन हाई है, लेकिन ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक लो है। इसका कंपटीशन मीडियम है, ट्रैफिक हाई है, तो इसका बिड भी हाई है। तो ये बेसिकली बिड जो होती है ना आपकी लिंक्ड होती है विद ट्रैफिक, अगर आपकी ट्रैफिक हाई है तो बिड ज्यादा होगी उसकी। मैंने मैडम वही बताया है कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाईली कंपैरेटिव कीवर्ड होते हैं जो कि रैंक नहीं आप कर सकते, उनको टारगेट करने के लिए, उनको रैंकिंग में शो करवाने के लिए आप एडवर्ड्स कैंपेन चलाते हो, यानी अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए कि देखो यार आई एम द बॉस। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप समटाइम आप बहुत सारी चीजें सिर्फ सेल जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें आप अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए कर रहे होते हो कि मैं सुपीरियर हूं आपसे, आप मेरे साथ कंपीट नहीं कर सकते इस कीवर्ड के लिए। अब आप लोग एक और चीज समझ लें, क्या गूगल ने ये जो पूरा एडवर्ड प्लानर है या कीवर्ड प्लानर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बनाया कि आप लोग इससे कीवर्ड सर्च करें और एसईओ करने स्टार्ट कर दें? नहीं, ये जो वर्ड ये जो बनाया है बेसिकली गूगल ने कीवर्ड प्लानर, ये गूगल एडवर्ड्स के लिए बनाया है कि लोग यहाँ पे एडवर्ड्स से रिलेटेड वर्ड अपने कीवर्ड सर्च करें
उस पर कंपेन चलाएं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे, मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। एवरेज मंथली सर्चेज कंपटीशन टॉप ऑफ द बिड रेंज एड इम्प्रेशन अकाउंट स्टेटस अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं आ रहा, मैं आपको दूसरे टूल में समझाऊंगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये कीवर्ड रैंक करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। कल हम उस टूल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि उस कीवर्ड को रैंक करना कितना ईजी है या कितना मुश्किल है। आप कीवर्ड डिफिकल्टी बता रहा होता है, कीवर्ड रैंक करना कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर समझ आया, इसमें कोई कंफ्यूजन गूगल कीवर्ड प्लानर में? हाँ भी मिस्टर एसईओ, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब आप लोगों का टास्क क्या है, टास्क समझ लें। जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है या बना रहे हैं वो लोग, आप लोग क्या करेंगे, अपने जो आपने पेजेस बनाए हैं उनसे रेलेवेंट 5-5 कीवर्ड्स सर्च करके आप लोगों ने कॉलम क्या बनाने में, कॉलम समझा देता हूँ आप लोगों को। ये एक्स्ट्रा वर्क है, आप लोग ऐसे सीखना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई इशू नहीं है। जो लोग करेंगे आई विल वेलकम देम, चेक कर लूंगा उसको, मैं अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। जो लोग नहीं करेंगे तो इट डजंट मैटर, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आपके जो कॉलम्स होंगे, आपने अपने पेज का नाम लिखना है, वेबसाइट है पेज नेम, आपने कीवर्ड वर्ड एक कॉलम बनाना है, दूसरा कॉलम आपका होगा सर्च वॉल्यूम, तीसरा कॉलम होगा आपका कंपटीशन, चौथा कॉलम होगा आपका बिड, ठीक है। आपने हर पेज के लिए ये चीजें बनानी है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कंपटीशन एंड उसकी बिड कितनी है, ठीक है, समझ आ गई। तो आप मुझे आप ये आप लोग जो वाकई सीरियस लोग हैं जो करना चाहते हैं, आप लोग मुझे बना के ज़रूर भेजें, मैं आप लोगों को उस पर फीडबैक ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये कहा है शुजात साहब आप कहाँ पे हो इस टाइम, मैंने ये कहा है कि आपने अपने पेज से रिलेटेड मोस्ट कॉमन कीवर्ड लिख के लिख मुझे दिखाने हैं, जो कि आप समझते हैं कि आप इसको रैंक कर सकते हैं। आपने दो क्राइटेरियाज को फोकस में रखना है, नंबर वन इज सर्च वॉल्यूम, नंबर सेकंड इज कंपटीशन। आपने सर्च वॉल्यूम भी देखना है और आपने कंपटीशन भी देखना है, ये दो चीजें आपने देखनी है। कंपटीशन हाई है लो है, आप हाई कंपटीशन कीवर्ड को ऑब्वियसली फोकस नहीं कर सकते, मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि उसको रैंक करना मुश्किल होता है। आप मीडियम या लो कंपटीशन कीवर्ड को सर्च करेंगे विद रीजनेबल सर्च वॉल्यूम, जिन पे सर्च वॉल्यूम रीजनेबल होगा उसको आप, वो जो रीजनेबल वर्ड है ना वो मैंने आप पे छोड़ा हुआ है कि आप किस टर्म यानी कितने क्या किस स्टेटिस्टिक्स को आप मीडियम समझते हैं,